चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। वापस दो, वापस दो हमारा कॉलेज, वापस दो, अरे वापस दो, वापस दो हमारा कॉलेज, वापस दो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मार्कोदा, जो कि यहाँ के आजकल यूथ नेता हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे शहर के लिए। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं ब्लॉग में, कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो दा आज का क्या है मतलब? आज हम कैंपस के विरोध पे यहाँ है, मतलब कैंपस का विरोध तो नहीं है, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा डिग्री कॉलेज वैसा का वैसा ही रहे, बट इसी को नाम चेंज करके खाली कैंपस का नाम एड ऑन करना हमारे बच्चों के अहित में है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। तो ये आने वाले टाइम पे अगर कैंपस बन जाएगा तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत काफी कम हो जाएगी और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कैंपस को लेके। तो मैं चाहता हूँ कैंपस बने, लेकिन जो हमारा पहले का डिग्री कॉलेज हो वैसा का वैसा रहे, एक नई व्यवस्था बने, नया इन्वेस्टमेंट हो, नए लोग आए, नए टीचर आए, नई नौकरी, नए रोजगार खुले लोगों के लिए, बट हमारा कॉलेज वैसा का वैसा ही रहे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? करीब करीब 7 से 8 हज़ार बच्चे हमारे कॉलेज में अभी पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दूर दराज के बच्चे ना, उन पर क्या असर पड़ेगा? मतलब दूर दराज के बच्चे जितने भी यहाँ कॉलेज पढ़ने पिथौरागढ़ आते हैं खासकर पढ़ने के लिए, खोलने के लिए मोहानी में भी कॉलेज खोल दिया, धारचूला मुंशियारी कॉलेज खोल दिया, कड़ाई गंगोली में बहुत जगह कॉलेज खुल गए, लेकिन देखो फिर भी जो प्रेशर है हमारे वहाँ स्टूडेंट्स वो उतना का उतना ही रहता है। पहले के टाइम पे कम स्ट्रेंथ हुआ, जब कॉलेज स्टार्टिंग पे था 300 400 500 की स्ट्रेंथ थी, फिर 1000 पहुंची 1500, आज के टाइम पे 7 से 8 हज़ार रेगुलर बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं, अभी भी 2-3 हज़ार बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो अगर कैंपस खुलेगा तो फिर 2-3 हज़ार जो नहीं मिल पाता है, तो सिर्फ 2-3 हज़ार बच्चों का ही एडमिशन होगा अगर लीगली एंड पे देखा जाए तो। और उससे बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे। देखो फीस बढ़ती है, पहले हमारे हॉस्टल की फीस थी 1500 रुपए सालाना था, वो भी बच्चों पे ही खर्च हो जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे कैंपस की मांग हुई, कैंपस हुआ नहीं है लेकिन 10,000 रुपए फीस कर दी, वो तो विरोध हुआ तब इनने वापस कर दिया, तो हमारे गरीब घर के बच्चे कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोग अपनी खेती बाड़ी से जितना कमा सकते हैं उतना कमाते हैं। वही ना, तो ये बहुत सारा नुकसान होने वाला है हम लोगों को, हमारे पिथौरागढ़ के बच्चों को। अभी ये दिख नहीं रहा है लेकिन आने वाले एंड पे बहुत ज्यादा इसके नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे, तो आने वाले टाइम में गलत हो उससे पहले हम शुरुआत करके इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम भी फुल मार्कोदा का सपोर्ट करेंगे और रैली में अपना पूरा साथ देंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग पे आप बने रहिए, थैंक यू, देखते रहना। तो बाकी मार्कोदा लोग और सब लोग आगे पे हैं खड़े, मैं और मामू जाते हैं और थोड़ा ब्लॉग को दिखाते हैं आपको और बाकी रैली दिखाते हैं आपको आज। तो आप देख ही सकते हैं कितनी हल्की हल्की करते, बड़ी भीड़ जमा होती जा रही है और ये रहे मार्कोदा, सबको इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। वापस दो, वापस दो हमारा कॉलेज, वापस दो, अरे वापस दो, वापस दो हमारा कॉलेज, वापस दो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। अरे वापस दो, वापस दो हमारा कॉलेज, वापस दो, अरे वापस दो, वापस दो हमारा कॉलेज, वापस दो। हम इसी महाविद्यालय को खाली नाम चेंज करके कैंपस बनाए जाने का विरोध है, हम चाहते हैं सरकार से कि एक नया कॉलेज बने, उसी को आप कैंपस बनाओ, जो बनी बनाई व्यवस्था है उसका खाली नाम चेंज करके आप कैंपस बना रहे हो, इससे हमारे छात्रों को बहुत अहित होने वाला है, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यहाँ की फीस बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं एक नया कॉलेज गवर्नमेंट एक्वायर करे, जो गवर्नमेंट ने पहले भी मांग करी थी और 2016-17 मैंने भी बात करी थी, उनने कहा था कि एक नया कॉलेज खुलेगा, एक नया कॉलेज खुले उसमें नई फैकल्टी आए, नया रोजगार मिले, हम चाहते हैं ये चीजें हो, बट हमारे कॉलेज का खाली नाम चेंज करके आप कैंपस बना दे रहे हो तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, जहाँ साल पर साल हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, जहाँ जब डिग्री कॉलेज 1963 में जब शुरू हुआ था हमारा, उस टाइम पे 200-300 स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आज के टाइम पे 7 से 8 हज़ार बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये 8 हज़ार बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चे जाएंगे कहाँ? और कोई कैंपस बन के कुछ अतिरिक्त हमारे कुछ होने वाला नहीं है, कोई जगह यहाँ नहीं है, कोई नया इंफ्रा के लिए जगह यहाँ नहीं है, तो कैंपस बना के क्या आप कर लेने वाले हो?
तो एक नई जगह कैंपस बने उसके हम सपोर्ट में है, बट हमारे कॉलेज का खाली नाम चेंज करके जो एक कैंपस बनाया जा रहा है इसके हम पुरजोर विरोध में है और इसका हम अंत तक विरोध करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कैंपस ना बने। और इसमें मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे लोकल विधायक जी से हम कहना चाहते हैं कि आप भी इसमें इस मुहिम में साथ दें और आपके ही उससे ये कैंपस रुक सकता है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में बच्चों के हित के लिए आप आगे भी आए। धन्यवाद। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो एक बहुत ही बड़ा थैंक मार्को दागो जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी और बच्चों के बारे में इतना सोचते हुए इतना मतलब आंदोलन निकालने हैं। देखो आप लोग भी सोचो इस बारे में, कैंपस बन के हमें क्या नुकसान क्या फायदे होंगे, इसको डिटेल वीडियो में बाद में बताऊंगा, लेकिन तब तक का अभी जो चल रहा है शुरुआत हमने कर दी है। अब बात बात पर धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो मैं आगे भी बात करूंगा, इस पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप भी साथ हैं और हम भी फुल नितिन दा के साथ हैं। तो इसी के साथ थैंक यू और आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं।